अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी चॉकलेट डिज़र्ट की रेसिपी जो मैं ब्रेड से बनाऊंगी। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बनाना बहुत ही इजी। तो कैसे बनता है आइए देख लेते हैं। तो इधर हमने 7 से 8 स्लाइस ब्रेड लिया है और इसकी साइड हम कटिंग करेंगे। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसी तरह से हम सारे स्लाइस को कट कर लेंगे। तो मैंने सारे ब्रेड के स्लाइस को कट कर लिया है। अब इसको हम उठा लेंगे और इसको यूज़ कर लेंगे बाद में ब्रेड क्रम्ब बनाकर। और जो ये ब्रेड का स्लाइस कट करके रखा है साइड, अब इसको इस तरह से हम सेट कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से इसको सेट कर लिया है। तो इधर हमने 3 टेबल स्पून शुगर लिया है जिसको थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से घोल लिया है। अब ब्रेड के ऊपर इसको लगाएंगे, एक दो बार अच्छे से इसको चला लें। अब ब्रेड के ऊपर इस तरह से हम लगा देंगे। तो मैंने अच्छी तरह से लगा दिया। अब इसको हम साइड में रखेंगे। तो इधर हमने डार्क चॉकलेट लिया है और ये 200 ग्राम चॉकलेट है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको मेल्ट कर लेंगे ओवन में। तो चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड कर दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। तो इधर हमने 1/2 कप व्हिप क्रीम लिया है। अब इसको इलेक्ट्रिक बीटर से हम बीट कर लेंगे। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको बीट कर लिया है, जो हमने चॉकलेट को मेल्ट करके रखा था। अब क्रीम में हम 1/2 डालेंगे और 1/2 बचा लेंगे। इसको अच्छी तरह से क्रीम में मिक्स कर लें हल्की हाथों से। तो मैंने बहुत अच्छी तरह से क्रीम में मिक्स कर लिया है चॉकलेट को और जो हमने ब्रेड सेट करके रखा था। अब इसके ऊपर ये क्रीम और चॉकलेट का लेयर लगाएंगे। तो मैंने अच्छी तरह से लेयर लगा दिया है। तो एक लेयर और हम ब्रेड का इसके ऊपर लगाएंगे। तो मैंने अच्छी तरह से ब्रेड को सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर फिर से हम शुगर पानी अच्छी तरह से लगा देंगे। फिर से हम इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। अच्छी तरह ब्रेड को क्रीम से कवर करेंगे। तो मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। और इधर ये जो 1/2 हमने चॉकलेट बचाया था इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर ये चॉकलेट को डालेंगे। और अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो मैंने अच्छी तरह से चॉकलेट को सेट कर लिया है। गार्निशिंग के लिए ये छोटे छोटे चॉकलेट स्टिक है, इसके ऊपर लगा देंगे हम। अब इसको अच्छी तरह से सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे।
तो हमारा 1 घंटा हो चुका है और ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इसको कट करेंगे। बहुत टेस्टी, बहुत इजी ब्रेड से चॉकलेट डिज़र्ट बनके तैयार है। बहुत टेस्टी बनता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।